प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और आज ही उनकी मां हीराबा का 100वां जन्मदिन भी है और सुबह के वक्त प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में घर पहुंचकर मां को मिठाई खिलाई, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लिया और अब प्रधानमंत्री पावागढ़ में कालिका शक्तिपीठ पहुंचे हुए हैं जहां मंदिर के पुनरोद्धार के बाद आज इसके शिखर पर ध्वजा स्थापित की गई है। और आपको बता दें कि मां कालिका के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर के नए निर्माण का जायजा भी लिया है और ये तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात के पावागढ़ में पीएम की शक्ति पूजा, पावागढ़ गुजरात से ये तस्वीरें हैं इस वक्त। और कई कार्यक्रम हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में। आज 21,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और आधार उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। गुजरात वासियों को ये तोहफा देने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसमें से कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। और अभी ये जो तस्वीर देख रहे हैं, 500 साल बाद कालिका मंदिर पर ये धर्म ध्वजा फहराया गया है। पावागढ़ गुजरात की ये तस्वीरें हैं। गुजरात में तमाम बदलाव देखने, आज ही वडोदरा में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें 2 लाख से ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और गौरतलब है कि इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं गुजरात में, तो प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में। इसके पहले भी लगातार, अभी पिछले अगर 10 दिनों की बात कर लें तो दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हुए हैं, उनका यह दौरा है। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह भी गए हुए थे। और 2 तस्वीरें और ज्यादा जानकारी के साथ गोपी हमारे साथ, गोपी घांगर हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। गोपी, अभी क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और आज का ये दौरा पीएम का गुजरात में, मौजूदगी उनकी है, कितना महत्वपूर्ण है गुजरात के लिए? देखिए, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2022 का चुनाव भी होना है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा का जन्मदिन भी है, तो वैसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पावागढ़ की बात की जाए तो 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसी पावागढ़ शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ काली की आंखों की पूजा की जाती है और माँ काली की आंखों की पूजा जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री करेंगे। उनके जरिए जब पूरा मंदिर का नवनिर्माण हुआ तो उसके बाद अब यहाँ पे प्रधानमंत्री के जरिए ये पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही वहाँ पे जब मोहम्मद बेगड़ा ने 500 साल पहले जो पावागढ़ मंदिर है उसके शिखर को ध्वंस कर दिया था और उसके बाद अब पूरा जो मंदिर है वो नया बनाया गया है, नया शिखर बनाया गया है जिसको सोने से मढ़ा गया है। उसी शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ध्वजारोहण भी किया जाएगा। साथ ही वो आज सुबह यहाँ से जब अपनी माँ हीराबा को मिलने के लिए पहुंचे थे। आशुतोष, गोपी जानकारी मिल रही है कि 21,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री, और दूसरी बात कि आज जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव भी होने वाला है उसके मद्देनजर एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा भीड़ उमड़ने वाली है यहाँ। बिल्कुल आशुतोष, ये 2022 का जो चुनाव होने वाला है गुजरात में, बीजेपी के लिए ये चुनाव खास है क्योंकि 27 साल के एंटी इनकम्बेंट से जिस विकास मॉडल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त की थी, अब वही विकास मॉडल को विपक्ष जो है वो बता रहे हैं, वो पूरी तरीके से फेल विकास मॉडल बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कई ऐसे विकास के कार्य है जिसका लोकार्पण करेंगे, साथ ही भूमि पूजा भी करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूरत रेलवे स्टेशन पर बनने वाला हाईटेक रेलवे स्टेशन जो अब उसका भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री के जरिए ई भूमि पूजन किया जाएगा, वर्चुअल भूमि पूजन रहेगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो गुजरात के विकास के प्रोजेक्ट हम कहेंगे। इसके अलावा जो बात की जाए तो प्रधानमंत्री क्योंकि 27 साल के एंटी इनकम्बेंट से पिछले 10 साल में ये दूसरा 10 दिनों के भीतर ही ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए।